नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज हम तेजस्वी यादव और राजद के विषय में चर्चा करने बैठे हैं। ज्ञानेश्वर, जैसा कि हमने कल ही अपने दर्शकों को विस्तार में बताया कि आखिर ललन सिंह ने इस बड़े मिशन को कैसे अंजाम दिया, राजद के पार्षदों को तोड़कर कैसे वो जदयू में ले गए, फिर अचानक से रघुवंश प्रसाद सिंह भी राजद का साथ छोड़ देते हैं, तो आखिर नहीं राजद का साथ नहीं छोड़ते, पद से इस्तीफा देते हैं। पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो आखिर तेजस्वी यादव कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? हम उसी आप पॉलिटिक्स भी अच्छा खासा आप जानते हैं, उस विषय में आप जानकारी रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी 5 कमजोरियां होंगी तेजस्वी यादव की, अगर आप एक एक कर कर हमें बता सकें और दर्शकों को भी? देखिए, आप ये जानना चाहते हैं, चुनाव का मौसम आ गया है कि, और चुनाव के पहले ही राजद में इतनी बड़ी टूट फूट, और बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस रूप में भी कि बिहार विधानसभा में सबसे अधिक विधायकों की संख्या राजद की ही है जी। तो 5 कारण, हम बिल्कुल 5 कारणों की चर्चा करना चाहेंगे गरिमा, और ये 5 कारण ऐसे हैं जो राजद के लिए खतरे की घंटी है। यदि राजद और तेजस्वी यादव ने अपने आप को नहीं संभाला तो बहुत मुश्किल होगी। कल ही NDTV के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उन्होंने एक ब्लॉग लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि, मनीष कुमार उनका नाम है, उन्होंने कहा कि देखिए जो आज बिहार की राजनीतिक सूरत है उसमें वे फिर से नीतीश कुमार को ही आते देख रहे हैं और तेजस्वी यादव को अभी प्रतीक्षा ही करनी होगी। तो देखिए, 5 कारणों की यदि हम बात करें तो आज की तारीख में गरिमा राजद के भीतर तेजस्वी यादव के आसपास फ्रंट फुट पर या बैक फुट पर खेलने वाला कोई नहीं है। देखिए, यदि राजद के हम कोच की बात करें जो मैदान से बाहर बैठा होता है तो वो तो लालू यादव ही है, वो रांची में बैठे हैं, और कप्तान जिन्हें कहा गया माना नहीं गया तेजस्वी यादव, क्योंकि नहीं मानने वाले लोग उनकी पार्टी के भीतर भी हैं। तो तेजस्वी यादव बैटिंग करते दिखते हैं लेकिन उनके साथ बैटिंग करने वाला कोई नहीं है। अब आप कहेंगे देखिए इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, राजद बड़ी पार्टी, हमने ही माना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजद की क्या स्थिति हो गई गरिमा। यदि आप लालू यादव के दिनों को याद करें, यदि आप 2000 के दौर में जाएं तो किसी का मजाल था कि लालू यादव के विधायकों को तोड़ देता, या लालू यादव की जिन पर नजर पड़ जाती उस विधायक को कोई दूसरा उठाकर ले जाता? आपको नहीं स्मरण होगा, हमें वो दौर याद है, पटना का पाटलिपुत्रा होटल, पटना का चाणक्य होटल, जब देखिए राजनीति में उस दौर में कहा जाता था कि बाघ के सामने बकरी और बकरी के सामने बाघ कैसे लड़ेगा। तो जो कोई बाघ था, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो दौर था कि लालू यादव के विधायक को कोई उठाकर नहीं ले जा सकता था, और लालू यादव जिस पर नजर डाल लेते वहां कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता था। मैं पाटलिपुत्र और चाणक्य होटल की बात इसलिए कर रहा हूं कि तब साहबुद्दीन, पप्पू यादव, सुभाष यादव, साधु यादव जैसे भी थे, जो राजनीतिक मजबूरी थी, वे इन होटलों पर ऐसे कब्जा कर लेते थे जहां विधायक ठहरे होते थे कि वहां कोई दूसरा टपक ही नहीं सकता था। और आज क्या सूरत हो गई कि आज लालू यादव के ही MLC टूटते जा रहे हैं, राजद के ही MLC टूटते जा रहे हैं, और इन्हें पता भी नहीं चलता, और ये बचा पाने की स्थिति में भी नहीं होते। पता चल भी जाए तो लोग इतने आज़ाद हैं कि अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और तेजस्वी यादव उनका ठिकाना नहीं तलाश पाते हैं। तो सोच लीजिए कि इनकी कमजोरी कितनी हो गई है, और जब ये इतने बेहद कमजोर हो गए हैं तो फिर ये बिहार की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? देखिए, मैंने बैकफुट या फ्रंटफुट की बात क्यों करी, यदि आप जदयू के भीतर देखेंगे नीतीश कुमार भी बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, लेकिन उनके पास बैट्समैन हैं, हर तरीके के बैट्समैन हैं, समय के हिसाब बैट्समैन हैं, कहाँ चौका मारना है, कहाँ छक्का मारना है, और कहाँ सीधे स्टंप कर देना है। तो इनके पास क्या है, ललन सिंह, RCP सिंह नीतीश कुमार के दो ऐसे सहयोगी हैं जिनका कोई जवाब है क्या RJD में? तेजस्वी यादव या RJD में RCP सिंह या ललन सिंह के मुकाबले कोई है क्या?
देखिए मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आरजेडी में कौन सी बात पर कौन सा आश्वासन कौन देगा यह कोई नहीं जानता है, और किसकी बात पर हम भरोसा कर लें कि हाँ अब ये हो ही जाना है या हमें प्राप्त हो ही जाना है। तेजस्वी यादव कह दें तो क्या बात पक्की मानी जाए? लालू यादव से मुलाकात जानते हैं, थोड़ी सी जो कानूनी पेचीदगियां हैं, हाँ मुश्किल है। अब तेजस्वी यादव कह दें तो मीसा भारती का रुख अलग हो सकता है, तेज प्रताप का रुख अलग हो सकता है, बाकी परिवार में और भी सदस्य हैं, तो वहाँ किसी बात की गारंटी नहीं है। जगदानंद सिंह भले प्रदेश अध्यक्ष हों लेकिन वो कमिट नहीं कर सकते कि आपको ही टिकट मिलेगा। शिवानंद तिवारी भले ही वरिष्ठ हों लेकिन उनका राजनीतिक वजूद इतना नहीं है, नहीं बचा है कि वे किसी को कह दें और उनकी बात मान ली जाए। रघुवंश प्रसाद सिंह का देख ही रहे हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा किस तरीके से व्यक्त की है। लेकिन जदयू में नीतीश कुमार भले न मिलते हों, आरसीपी सिंह, ललन सिंह ने यदि बात कोई कह दी, किसी भी स्तर पर कह दी, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, पदाधिकारी हो, लोगों को पता है कि जो इन्होंने कहा है उसका वजन 80% से ऊपर है, मतलब नीतीश कुमार की सहमति है। और यदि सहमति अभी नहीं बनी है तो ये इतना वजूद रखते हैं कि सहमति बना लेंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं। अब तो नीतीश कुमार के साथ है, अब यदि देखेंगे नई टीम जो बन रही है, सो डिजिटल टीम है, उसमें अशोक चौधरी और संजय झा भी आ जाते हैं। फिर नीतीश कुमार के यहाँ देखिए दूत संजय गांधी हैं, जिनको कोई नहीं जानता है, नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं। यदि उन्होंने कोई फ़ोन कर दिया तो मतलब यह माना गया कि यह सीधे तौर पर नीतीश कुमार का आदेश है या नीतीश कुमार का संदेश है। लेकिन यहाँ तेजस्वी भी कह देंगे तो होगा कि नहीं होगा? तेजस्वी कह देंगे तो राबड़ी जी हो सकता है कोई दूसरा उम्मीदवार लेकर चली जाए, मीसा जी कोई दूसरी उम्मीदवार लेकर चली जाए, तो ये सारी जो समस्याएं, इनके आप फ्रंट फुट पर और बैक फुट पर आपके एमएलसी को तोड़ कर ले जा रहा और बैठे, और इनके साथ जितने लोग बैठे हैं, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, जो इनके इर्द गिर्द हैं, अब तो विधायकों के टूटने की बात हो रही है, और ऐसे विधायकों के टूटने की बात हो रही है गरिमा जो इनके इर्द गिर्द बैठते हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार के संपर्क में है, जदयू के संपर्क में है, तो जो इनके इर्द गिर्द है पहचान भी नहीं पा रहे हैं, ये जो हमारे साथ बैठे हैं वो वहां भी वार्तालाप कर रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए जब कप्तान को ही अपनी टीम के दूसरे सदस्यों के बारे में, या आप कहें टीम बना ही नहीं सकें, इनके पास लड़ाके हैं ही नहीं जो लड़ाके चाहिए, और यदि लड़ाके आपके पास नहीं होंगे तो आपके विधायक को, आपके विधान पार्षद को लोग उठाकर ले जाते रहेंगे और आप बिल्कुल लाचार प्राणी की तरह, जैसा लाचार आप कल थे वैसे ही लाचार आप दिखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि पहली कमजोरी जी कैप्टनशिप अच्छी नहीं है तेजस्वी यादव की, या यूं कहें कि उनके लोग उन्हें कैप्टन नहीं मानते हैं, ये तो बड़ी कमजोरी हो गई। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए, क्या आपको लगता है कि परिवार, मतलब लालू परिवार में इन दिनों जो भी हो रहा है वो भी एक वजह रही? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि कैप्टन में कमजोरी, मैंने ये कहा कि कैप्टन ने अपनी टीम नहीं बनाई। देखिए हाँ, अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी कमजोरी, वो कमजोरी राजद की, जब से लालू यादव नहीं है, मतलब सीधे प्रत्यक्ष तौर पर परिवार में इतनी बड़ी खटपट है गरिमा, वो राजद की सारी संभावनाओं को खत्म कर देती है। मैं कल रात तक, कल काफ़ी देर रात तक लोग मुझसे संपर्क करते रहे, यह बताते रहे कि राजद के फला विधायक टूट रहे हैं, राजद के फला विधायक टूट रहे हैं। देखिए टूट होगी, टूट दोनों ओर से संभव है, लेकिन बड़ी टूट राजद की ओर से होगी। और ऐसे ऐसे नाम लिए जाते रहे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, क्यों, मतलब काफ़ी क्लोज लोग। हाँ काफ़ी क्लोज लोग, तो परिवार में खटपट, खटपट तो है, आप मानिए ना मानिए, तेजस्वी यादव के सुर अलग, तेज प्रताप यादव के सुर अलग, लालू राबड़ी मोर्चा किसने बनाया था, लोकसभा चुनाव के वक्त टिकट के लिए जिद पर कौन आ रहा, और हमेशा वो खटपट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता, बिल्कुल ये भी बड़ी शिवहर, शिवहर को लेकर लड़ाई हुई, जहानाबाद को लेकर लड़ाई हुई, और जहानाबाद की लड़ाई तो ऐसी हुई कि तेज प्रताप यादव ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया अपनी ओर से, लालू राबड़ी मोर्चा की ओर से, उसने राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव को चुनावी हरा दिया, क्योंकि लालू राबड़ी मोर्चा तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार को करीब 10,000 वोट आ गए थे और सुरेंद्र यादव
2000 वोट से चुनाव हारे थे। तो परिवार के भीतर, तो मैं विधायकों के टूटने की बात कर रहा था कि ऐसे नाम आ रहे हैं, मैंने उनमें से किसी से बात करी, उन्होंने कहा देखिए समस्या ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, अब उन्हें महुआ से लड़ना है नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ेंगे, पहले बात हुई राज्यसभा जाएंगे, फिर बात हुई विधान परिषद जाएंगे, महुआ की चुनौती अलग है, परिवार का झंझट अलग है, तो कभी बात ये चली जाती है कि वे मनेर से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही बात होती है कि मनेर से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से बात शुरू होती है, जो भाई वीरेंद्र हैं, जो सबसे फायरब्रांड प्रवक्ता हैं इनके, उनकी नींद गायब हो जाती है। अब यदि तेज प्रताप यादव लड़ना चाहेंगे मनेर से, तो कौन रोक लेगा। कभी चर्चा हो जाती है फतुहा से लड़ेंगे, तो रामानंद यादव परेशान हो जाते हैं। कभी चर्चा हो जाती है बख्तियारपुर से लड़ेंगे, तो अनिरुद्ध यादव परेशान हो जाते हैं कि इतना करने के बाद भी यदि ये हुआ तो। ये तमाम सारी जो परिस्थितियाँ हैं, अब मीसा भारती की पसंद अलग उम्मीदवार होते हैं, राबड़ी जी की पसंद अलग उम्मीदवार होते हैं, लालू जी का संदेश अलग आता है, तो इसमें संगठन का तो कोई वजूद रह ही नहीं जाता है। तो आप परिवार के भीतर से ही नहीं निकल पाते हैं कि किसे हमें भेजना है, किसे बनाना है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं टिकट देना है। तो ये इतनी बड़ी कमजोरी है कि जब एक ही परिवार में चार आदमी की पसंद अलग अलग हो, तो लालू यादव भी जानते हैं किसको नाखुश करें, किसको नाराज करें, और पसंद ऐसी कि यदि आप टिकट नहीं देंगे तो हो सकता है वो बागी बन जाए, वो इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाए कि आपकी जो राजद की संभावनाएं हैं उसे परेशान करता है, उसे डुबोता है। जी, तो पारिवारिक सामंजस्य जो है वो बैठना चाहिए, विचार मिलने चाहिए, ये दूसरा मुद्दा आपने बताया। तीसरी बात अगर की जाए तो आप क्या मानते हो तीसरा? देखिए तीसरी जो बात है, तेजस्वी को अपनी दिनचर्या और अपनी आदतें बदलनी होगी। देखिए तेजस्वी यादव न लालू यादव हैं न नीतीश कुमार हैं, ठीक है ना जी। लालू यादव की जो छवि रही वो मसीहा की छवि रही, और नीतीश कुमार की जो छवि है वो परिवर्तनकारी, मतलब जिसे कहा गया जंगल राज, उसे बदल देने वाले शख्सियत के रूप में वे पहचाने गए। तेजस्वी यादव को अभी आगे जाना है, लेकिन तेजस्वी यादव की परेशानी क्या है, नई उम्र के हैं और सोच भले कहते हो नहीं है, लेकिन राजनीति जो है वो बहुत अब भी नहीं आती है। देखिए जिस तरीके से लालू यादव पीपल्स फ्रेंडली थे, किसी से मिल लेते थे, किसी से जुड़ लेते थे, किसी अवस्था में मिल लेते थे, आपने ये भी बताया था कि भीड़ में लोगों का नाम जानते थे। जी भीड़ में, तो तेजस्वी यादव से मिलना ही एक बड़ी कठिन समस्या है कार्यकर्ताओं की। ऐसे ऐसे विधायक भी मिलेंगे जो कहेंगे कि उनकी बातचीत 2 महीने से नहीं हुई, 4 महीने से नहीं हुई और मुलाकात नहीं हुई। आपको पता है कि तेजस्वी यादव बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं, जिसको लेकर जदयू आरोप करता है, किसी को पता नहीं चलता। तो आपको यदि खुट्टा गाड़कर बिहार की राजनीति करनी है, आप अपने विधायकों से ही नहीं मिलेंगे, आप मेरे साथ काम करती हैं जी। और आपके साथ मेरा 4 महीने का संवाद ही नहीं हो, तो आपको लगे कहीं ना कहीं तो है ना, कम्युनिकेशन गैप है ना। तो हम जो है इस हताशा, मुझे अपनी बात, आपको अपनी बात यदि मुझसे कुछ कहनी है और मुझे आप अपनी बात आपसे कहनी है, और इसमें भी यदि कोई मिडिल मैन आता है तो देखिए परेशानी होगी। तो तेजस्वी यादव की एक बड़ी समस्या है जो हमने समझी है बात को, कि वो लोगों से मिलना जुलना कम कर, देखिए अभी चुनाव का समय आया है, अभी मिले जुलेंगे, लेकिन जो विधायक हैं उनकी पीड़ा है कि आप मिलते नहीं हैं, आप जुलते नहीं हैं, और हर बात में कह दिया जाता है आप फलां से बात कर लें। भाई नेता आप हैं, कैप्टन आप हैं, जो उनका कोच है, लालू यादव के प्रति किसी का गुस्सा नहीं होता है, जो कोच है वो रांची में है और सबों से बातचीत हर समय नहीं कर सकते हैं। तो जो कप्तान है, यदि कप्तान ही अपनी टीम के मेंबर से बात नहीं करेगा तो फिर टीम खेलेगी कैसे। आज यदि जोर तोड़ करने की बात हो, मैंने कहा ना कि जदयू में ललन सिंह ने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया, आपके यहाँ जदयू के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देने वाला कौन है, और कौन ऐसा शख्स है जिसकी बात पर जदयू में कोई टूट फूट हो जाए। तो ये इतनी बड़ी समस्या है कि आपको लोगों से मिलना जुलना, लोगों से संवाद, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो किसी का अनादर करते हैं, लेकिन वरिष्ठता का ख्याल रखना होगा, और यदि ये नहीं करेंगे तो ये राजद के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। जो काम करते हैं उसको लेकर भी अधिक मुखर नहीं है तेजस्वी यादव, क्योंकि कहीं चले भी जाते हैं तो उनके पार्टी के लोगों को भी बहुत बार नहीं पता होता है कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ है।
देखिए ये भी एक गरिमा, आप ठीक मुद्दे पर आए हैं, बिल्कुल ठीक मुद्दा आपका, कि आप देखते हैं जदयू में रोज नीरज कुमार, संजय सिंह, आजकल निखिल मंडल जी, ये फायरब्रांड प्रवक्ता होते जी, हैं जी। नीरज कुमार तो मंत्री भी हैं, इनकी ओर से कौन बोलता है? अब आप कहेंगे कि इन्हें मीडिया जो है स्पेस नहीं देता है, मैं कन्वेंशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अखबारों की, तो ठीक है चलिए विपक्ष के साथ समस्या आती है, सत्ता पक्ष का दबाव भी रहता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है गरिमा कि आपने मीडिया के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कितना प्रयास किया? आपने कोई प्रयास किया? लालू यादव जब कोई बात बिगड़ती थी तो सीधा संवाद करते थे, आपने क्या प्रयास किया? सत्ता पक्ष का दबाव रहेगा, लेकिन आपने, और आपके कौन से प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन जो नियमित रूप से जो सरकार की अवधारणा है या सरकार संकल्प लेकर आती है, जो सरकार घोषणा करती है, जिस पर अटैक करना होता है, आप कहाँ अटैक करते हैं? आपके आपके स्पोक्स पर्सन कहाँ है? केवल लिस्ट के लिए है? तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये बात तो कम्युनिकेशन की हो गई, गैप कहीं ना कहीं जरूर है। अगले मुद्दे पर अगर हम जाएं तो देखिए, अगला मुद्दा चुनाव का समय है। देखिए अब राजद को, राजद पर चाहे आप जितनी बातें कर लें, चारा घोटाले की बात कर लें या जो कर लें, आज की तारीख में राजद फंड की कमी झेल रहा है। देखिए भाजपा और जदयू की तरह राजद को कोई चंदा देने वाला नहीं है, सत्ता में तो है नहीं, और लालू यादव भी नहीं है, कॉरपोरेट्स भी उस तरीके से उदार नहीं है कि वो राजद को, और यदि चुनावी खर्चे की बात कर लें, 2015 के चुनाव का मुझे याद है, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जी। उसने विधानसभा चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को 70-70 लाख रुपए दिए थे, कांग्रेस ने भी दिए थे, लालू यादव ने थोड़ा कम दिया था, जदयू ने भी दिया था। यदि आज हम बात करें कि आज राजद 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, और यदि वह इसी बात पर सहमत हो कि हम अपने उम्मीदवार को लड़ने के लिए 30-30 लाख रुपए देंगे, तो हो सकता है 20-25 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो कहेंगे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि 150 उम्मीदवारों को भी आप कुछ पैसे देने पड़े तो 45 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है ना, 45 करोड़ रुपए सिर्फ आपको उम्मीदवारों को देने के लिए चाहिए। देखिए अब लोग कहेंगे कि भाई चुनाव में तो खर्च करने की इतनी इजाजत नहीं है, देखिए आप चुनाव जो आयोग की बातें लिखी उसको भूल जाइए, चुनाव में कितने खर्च होते हैं सबको पता है, तो 45 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी कैश में चाहिए, या फिर इनमें कुछ पैसे आप चेक से भी दे सकते हैं या बैंक में भी दे सकते हैं जो पार्टी की तरफ से कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसके अलावा आपको अपना कंपेन चलाने के लिए चाहिए, तो 10-15 करोड़ रुपये उसके लिए भी चाहिए। तो आज की तारीख में राजद जैसी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 60-70 करोड़ रुपये की जरूरत है, और यह फंड नहीं है, ठीक है ना, ये एक समस्या है गरिमा। इसीलिए अब बात चलती है कि देखिए ये सीट बिक गई, वो सीट बिक गई, अब ये तो राजनीति की परंपरा है। रघुवंश प्रसाद सिंह भी नाराज हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकटों की बिक्री हो रही है, लेकिन आज फंड की कमी झेल रहा है, और जितनी बड़ी पार्टियों से मुकाबला करना है राजद को, उसमें ये एक बड़ी समस्या सामने आने वाली है गरिमा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए चार मुद्दों पर तो हमने चर्चा कर ली, पांचवा और अंतिम मुद्दा क्या है? देखिए जो पांचवी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, तेजस्वी यादव किसी मुद्दे को ठीक से लड़ नहीं पाते हैं। मुद्दा यही है कि मुद्दे को ठीक से, हाँ मुद्दे को ठीक से लड़ नहीं पाते हैं, वे ट्विटर पर राग तो छेड़ देते हैं, राग भी छेड़ देते हैं, उनका कुछ नाम भी है ट्विटर, हाँ ट्विटर बॉय, ट्विटर बॉय, तो वो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जमीन पर वो लड़ाई नहीं लड़ पाते, क्योंकि कहाँ चले जाते हैं, जो कहता है ना विपक्ष, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें पता ठिकाना बताने में कभी। और जब आपको राजनीति करनी है और आप कोई भी उद्यम करते हैं, यदि आप अपने ठिकाने से, आप अपने कर्म क्षेत्र से, जो कर्म भूमि है आपकी, वहीं से आप गायब हो जाएंगे, तो वो कोई भी उद्यम आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मुद्दा तो बिहार का मिलता है, लोग कहते हैं ना अभी आरोप लगा पटना में जब पानी जमा तो आप कहाँ थे जी। चमकी बुखार हुआ तो कहाँ थे, शेल्टर होमकांड हुआ तो कहाँ थे, अभी के वक्त भी हाँ शुरुआती जो तीन लॉकडाउन थे उसमें तो आप थे ही नहीं। तो ये जो है ना मुद्दे को ही, और यदि जो पांच कमजोरी हमने बताई, फ्रंट फुट बैक फुट पर खेलने वाला कोई बैट्समैन नहीं है, परिवार की खट पर संभावनाओं को दुबाती है, मिलना जुलना बहुत नहीं आता है, राजद को फंड की भी अब कमी है, मुद्दे को ठीक से नहीं लड़ पाते, यदि इन पांच कमजोरियों को अगले 15 दिनों में, मैं 15 दिनों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की, तो उनकी राजनीतिक संभावनाएं जो चुनाव में है ना वह कमतर होती जाएगी,
वह और कमज़ोर होते चले जाएंगे, और जदयू जितना एग्रेसिव खेल रहा है वह उनके और विधायकों को तोड़ देगा। अगर शॉर्ट में कहें तो तेजस्वी यादव अगर 50% भी लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं तो संभावनाएं हैं। हाँ देखिए भाई, संभावनाएं तो राजनीति में, यदि आप लड़ेंगे तब ना। हाँ अब आप तैरने के लिए उतरेंगे ही नहीं तो नदी पार करने की बात कहाँ से करेंगे। तैरना तो सीखिए पहले, हाँ आपके साथ, और तैरने के लिए आपको कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। आप सिखाने वाले को साथ नहीं रखना चाहते हैं। आपका विधायक उठाकर ले जा रहा है, और उस पार्टी का विधायक जिस पार्टी के कोच लालू यादव हैं। फिर से याद कीजिए, चाणक्य होटल, पाटलिपुत्र होटल, शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सुभाष यादव, साधु यादव, किसी का मजाल था कि उनके विधायक उठाकर ले जाते? आज भी वो ऐसे लोग आपकी पार्टी में हैं, लेकिन आपके लिए अब लड़ने वाला कोई नहीं है। तो अगर इन 5 कमजोरियों पर तेजस्वी यादव काम करते हैं, या यूं कहें कि अपने पिता के गुणमंत्रों पर तेजस्वी यादव चलते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती हैं उनके लिए, या परेशानियां बढ़ सकती है अगर इन चीज़ों पर वो काम नहीं करेंगे। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, इसी तरह की चर्चाएं हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें, और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे ट्विटर हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।